बठिंडा के कैंसर अस्पताल को कोविड सेंटर बनाए जाने को लेकर अज आम आदमी पार्टी वालों दिता गया बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर को मंग पत्र। इस मौके तलवंडी साहब वालों विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने बोलदिया कहा कि सरकार नूं इह इंतजाम पहला कर लेने चाहिए सी, लेकिन उन्होंने वालों एक कैंसर हस्पताल बंद करके हम उसनों कोविड सेंटर बनाने को लैके उन्होंने इतने टिप्पणी करदिया कहा कि लोगों को कैंसर हस्पताल की भी लोड़ है क्योंकि इतने 500 तो ज़्यादा मरीज रोज़ राजस्थान और हरियाणा तो भी इतने पहुँचते हैं, जिसनों लैके अज उन्होंने वालों बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर मंग पत्र दिता गया कि इस कोविड सेंटर को कितने होर बनाया जाए तो इस कैंसर हस्पताल में भी उस तरह चल रहा है। सबनों जड़ा मंग पत्र पूरी आम आदमी पार्टी की यूनिट वालों बठिंडा तो सबमिट किया है कि जड़ा इस वेले कोरोना महामारी का दौर आ जड़ा कि बहुत ज़्यादा भयानक आ, इतने तो सरकार यो जड़े बंदोबस्त ने इंतजाम करने चाहिए सके कि जो पिछले साल कोरोना का अटैक जड़ा शुरू होया उदों तो लैके सरकार हुण तक जड़े पुख्ता इंतजाम कर देने चाहिए सी, कहने का मतलब हस्पतालों तो लैके बैड के इंतजाम तो लैके और सब तो जड़ी वड्डी शॉर्टेज है इस वेले ऑक्सीजन की आ रही आ, ऑक्सीजन नूं लैके हुण तक इंतजाम कर देने चाहिए सी, पर सरकार दा मैनूं लगता कि सेहत हैल्थ बनी या फिर कोरोना महामारी नूं नजिठण दे विच कोई ध्यान ही नहीं आ। और सब तो रेंदी खूंदी कसर सरकार ने उस वेले कढ दित्ती कि जदों मालवा दा सब तो वड्डा हॉस्पिटल जिहड़ा एम्स की जिहड़ा कैंसर दे पेशेंट नूं डील करदा है इस वेले उहनूं कोविड सेंटर डिकलेयर कर दिता, सो रादर दैन उहनूं कोविड सेंटर डिकलेयर किया कोविड सेंटर उहनूं बनाया तो सरकार नूं तां दे सारे इंतजाम करने चाहिए सीगे क्योंकि इस वेले जिथे कोरोना दे नाल वड्डी गिणती अज नजिठ रही है पूरे पंजाब की तो उत्थे वड्डी गिणती अज पंजाब की कैंसर दे पेशेंट भी ने, तो अज कैंसर के पेशेंट नूं एक वड्डी जिहड़ी आ कमी महसूस हो रही है, उन्हों का इलाज उस हॉस्पिटल दे विच नहीं हो रहा, हालांकि सारे हॉस्पिटल्स का पंजाब दे दा जिहड़ा बहुत बुरा हाल आ। इस करके अज असी डीसी साहब नूं मंग पत्र देण आए हैं कि जिथे कोरोना दे जिहड़े आ कोविड नूं लैके जिहड़े सेंटर बनाए जा रहे ने या फिर कुछ अजिहे इंतजाम किए जाण तां कि जिहड़ियां दूसरियां बीमारियां दे नाल लड़ रहे ने लोक, कैंसर वर्गियां बीमारियां दे नाल लड़ रहे ने लोक, तां उन्हां दे विच कोई रोक जिहड़ी ना। बेसिकली जे असी सारा कुछ देखिए तां पिछले एक साल तो 24 मार्च 2020 नूं जिहड़ा है पंजाब दे विच लॉकडाउन लग्या सी, इस एक साल दो महीनों के चाहिए तो सरकार को यह कि वह डॉक्टर भर्ती कर दी, स्टाफ नर्स भर्ती कर दे, बाकी टैक्नीशियन रख दे, हॉस्पिटल बनाते, बैड बनाते, वो तो किया नहीं। हुण जिदा कहिंदे ना बूहे आई जन बिनो कुड़ी दे कन्न, करोना की महामारी पूरी तरह फैल गई है, सिर्फ अखां पूंझण वास्ते जिहड़ा इत्थों दा हैगा कैंसर सेंटर हैगा उसनों कोविड दे विच कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि इन्हां कोल स्टाफ ही है नहीं। पिछले दिन ही जिहड़ा 29 वेंटीलेटर जिहड़े इन्हां कोल आए जिहड़े कि टैक्स पेयर दे पैसे दे सी, उह जिहड़े वेंटीलेटर लगने तो सरकारी हस्पताल चाहिए सी, उहनूं चलाउण वास्ते MD डॉक्टर चाहिए है, टैक्नीशियन चाहिए यानी कि हैगा एनेस्थीसिया दे डॉक्टर चाहिए है, बाकी स्टाफ चाहिए हैगा, डॉक्टर इन्हां दे स्ट्रैस की वजह दे नाल हॉस्पिटल छड्ड के जा रहे हैं, स्टाफ इन्हां कोल है नहीं। जेकर हुण कैंसर दे सेंटर नूं कैंसर दे सेंटर नूं कन्वर्ट करके कोविड सेंटर बना भी लैणगे जदों स्टाफ ही नहीं चलाओगे किहदे नाल, और सारे तो वड्डी गल हैगी है कल्ला कोविड ही इन्ना खतरनाक नहीं है, कोविड के नाल नाल जिहड़ा हैगा कैंसर है, शूगर है, हार्ट दीयां बड़ा बीमारियां ने वो उस तो भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस हॉस्पिटल दे विच कल्ला बठिंडे नहीं, कल्ला मानसा नहीं, इवन राजस्थान तो हरियाणा तो तकरीबन 300 के लगभग पेशेंट डेली आते हैं, 5 तो लैके 10 सर्जरियां डेली होंदियां सी, हुण कित्थे जाणगे। इस करके जिहड़े लोग ने वो बड़े डिप्रैशन च ने, सो साडी इह मंग हैगी है, इत्थे बहुत सारे स्कूल बंद पए हैगे आ, कॉलेजेस बंद पए हैगे आ, ईवन थर्मल कॉलोनी की असी गल करिए उत्थे टाइप 5, 6 ते 7 दियां दर्जना कोठियां जिहड़ियां उह खाली पईयां हैगियां ने, आरजी तौर पर उन्होंने कोविड सेंटर बनाया जा सकता हैगा और इस नूं जिहड़ा हैगा कैंसर सेंटर ही रहण दिता जाना चाहिए। यह मंग करके असी प्रोफेसर बलजिंदर कौर की अगवाई दे विच असीं अज DC साहब नूं मिलना है। आम आदमी पार्टी हर छोटे तो वड्डा मुद्दा बड़ी सिद्धता नाल उठाउंदी है, जिहड़ा उठाउणा भी चाहीदा ते बाकी पार्टियां नहीं उठाउंदियां, पर पिछले दिन विधायका जी रूबी की गड्डी सरकारी ठेके तो शराब ले जाने के मामले आई थी ते ओदे प्रति कोई टिप्पणी हले तक पार्टी तरफों नहीं आई। देखो MLA साहब ने वैसे आप ही उदन मीडिया के जरिए दस दिता सीगा कि उन्होंने जोड़े स्टाफ मैंबरस ने खाना लैन दे गए थे, सो इस तो सिवाय मैनू नहीं लगता वो कोई होर पॉइंट सीगा। मोरओवर उन्होंने फादर ने जोड़े उन्होंने स्पाइनल का ओपरेट होया एंड स्पाइनल का ओपरेट होना मतलब ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल के बहुत सीरीयस ओपरेट आ, छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, तो बाकी बैटर उन्होंने सारी जी क्लैरिफिकेशन दे दी है। सो असी जे अज के पॉइंट पर दोबारा घूम के आईए तो मैं एक गल होर स्पष्ट कर दें कि सरकार नूं जिथे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए सी, पिछले दिन ही असी मीडिया नूं बड़ी डिटेल दे विच दिता सीगा
कि जिवें यमुनानगर रिफाइनरी हरियाणा ने मतलब उत्थे दी जिहड़ी ऑक्सीजन वेस्टेज जा रही सी उस ऑक्सीजन नूं यूटिलाइज़ करन दे लई कंप्रैसर लगा के उस मनुखता नूं बचाउण दे लई जिहड़ी आ उहदे इंतजाम कर दित्ते। तो तलवंडी साहिबो रिफाइनरी दे विच वी जिहड़ी आ सरकार नूं मंग कीती सी बकायदा कैप्टन अमरिंदर जी नूं चिट्ठी लिखी सी बकायदा चिट्ठी लिख के उन्हां तों मंग कीती सी कि यमुनानगर रिफाइनरी की तर्ज ते जिहड़ी आ इत्थे पंजाब दे विच वी तलवंडी साहिबो रिफाइनरी दे विच इक छोटा जिहा यंत्र जिहदा कंप्रैसर लगा के अज असी जड़ियाँ लगातार कितने असी कोविड सेंटर डिकलेयर कर रहे हैं कितने असी लगातार जूझ रहे हैं कि साढ़े तो इंतजाम नहीं हो रहे सरकार तो पूरी तरह फेलियर आ। तो छोटा जहा एक यंत्र लगाने के बाद सारी की सारी ऑक्सीजन जी ह्यूमन बींग की जान बचाने के लिए असं उन्हें यूटिलाइज कर सकते। तुम चाहते हो कि हर तरह की खबर तक पहुँचे तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो और घंटी ऑलते करो।